संस्कृत साहित्य के जिज्ञासु आज चर्चा करेंगे शुकनासोपदेश की, और शुकनासोपदेश के संदर्भ में विभिन्न गद्य खंडों की चर्चा बराबर हो रही है। उसी क्रम में हम आगे के गद्य खंड पर विमर्श करेंगे, और हम देखते चले आ रहे हैं कि शुक सनासा उलासा ये शांत शुकनासा शुकनास महोदय उज्जैनी के राज तारापीठ के पुत्र वत्स चंद्रापीठ को एक सारगर्भित उपदेश प्रदान कर रहे हैं, और यह उपदेश मुख्य रूप से दो बिंदुओं को लेकर के है। एक तो है राज लक्ष्मी की स्थिति पर, दूसरा युवावस्था के चांचल्य पर। त्याग उन्होंने कहा है आलोके तावत कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मी में हो प्रथमम का है वत्स चंद्रापीठ, यदि तुम कल्याण में अपना अभिनिवेश चाहते हो तो पहले लक्ष्मी को ही देख लो, उसी पर पहले दृष्टिपात कर लो। तो लक्ष्मी के कौन कौन से वैशिष्ट है, क्या कुछ उसके गुणधर्म है, उन्हीं पर बराबर विभिन्न गद्य खंडों में उनका उन पर प्रकाश डाल रहा है, जिनको हमने कई गद्य खंडों में प्रकाशित किया है और आप लोगों ने देखा है। आगे के गद्य खंड पर विमर्श करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ शुकनास आगे उसके संदर्भ को प्रकाशित कर रहा है, किस प्रकार से उसके संदर्भ को बता रहा है। यथा यथा चेयन चपड़ा दीप्यते तथा तथा दीप शिखे कज्जन मलिन में कर्म केवल बुद्ध भवति तथा इयम् संवर्धन बारिधारा तृष्णा विषवल्लीनाम शास्त्र दृष्टि पुनः पताका सर्वा विनयानाम उत्पत्ति निम्नगा क्रोधा वेगग्रहाणाम तापान भूमि विषय मधुनाम संगीत शाला भूमिकार नाट्यानाम आवास दरी दोषाशी विषाणाम उत्सारण वेतनता सत्पुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्राविड गुणकल हंसकानाम विसर्पण भोगर लोकापवाद विस्फोटकानाम प्रस्तावना कपट नाटक से कलिका कामकरण अवधशाला साधुभाव से राहु जीवा धर्मेन्द्र मंडल से। ये प्रसंग है जिसमें शुक्ला विभिन्न बिंदुओं को आहरित करते हुए राज लक्ष्मी के गुणधर्म को प्रकाशित कर रहा है। कह रहा है वत्स चंद्रापीठ यथा यथा चेयम चपला दीप्यते, कह जैसे जैसे यह चपला अपने को प्रकाशित करती है तथा तथा उस प्रकार से दीप शिखे व दीपक की लौ की तरह कज्जल मलिनम एव कर्म केवल मुद्भवति, कज्जल रूप जो मलिन कर्म है केवल उसी का उद्भवन करती है, केवल उसी को बाहर निकालती है। ये सवाल आया भी था कि चपला किसका विशेषण है, तो चपला लक्ष्मी का विशेषण है। यही कहा गया है यथा यथा, तो यथा यथा जैसे जैसे यंच चपला यह चंचला, क्योंकि चंचलता इसका स्वरूप है और यह कहीं टिकाऊ नहीं है, इसीलिए इसको चपला कहा जाता है। जहां जहां यह चंचला जाती है, और यह चंचला ज्यादातर व्यभिचारिणी के गुणधर्म होते हैं, इसीलिए उससे संतुष्ट होने वाली एक पुरुष पर स्थायी रूप से रहने वाली लक्ष्मी नहीं है, इसलिए इसे चपला कहा जाता है। यम चपला यह चपला यह चंचला यथा यथा दीप्यते जैसे जैसे अपने को प्रकाशित करती है तथा तथा उस प्रकार से दीप शिखे दीपक के लौ की तरह, शिखा माने लौ, तो दीप शिखे माने दीपक के लौ की तरह कज्जल मलिन में माने कज्जल माने काजल काला होता है, तो जैसे काला काजल होता है उसी प्रकार से मलिन रूप वाला कर्मी ही होता है, केवल उसी को उद्भमति माने बाहर निकालती है उद्भमित करती है। माने व्यक्ति अगर इसके चक्कर में फंस गया, लक्ष्मी के चक्कर में पैसे के चक्कर में फंस गया, तो केवल माल्य से ही वह युक्त हो जाता है और उसका माल्य में ही जगत में दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि बराबर वह अपना गुणधर्म उस पर प्रक्षिप्त कर देती है और उसमें लालच आदि दोषों का समावेश हो जाता है और विभिन्न प्रकार के जो दोष है काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये से आ जाते हैं, और यहां तक कि यावत जीवन मृत्यु पर्यंत भी वह संतुष्ट नहीं होता और उसे छोड़ ही नहीं पाता। इसलिए नहीं वित्तेर तर्पणियों मनुष्य उक्ति चरितार्थ होने लगती है। यहाँ दीप शिखा शब्द कहा है जो बड़े ध्यान का शब्द है, यहाँ दीप शिखेव कहा गया है, और आप जानते हैं न जानते हो तो जाए कि महाकवि कालिदास की ये उपाधि है दीपशिखा, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम्यम व्यतियाय प्रतिम्बरा था
नरेंद्र मार्गाट्ट युग प्रपेदे विवरण भावम सस भूमिपाला। उन्होंने रघुवंश में ये श्लोक गढ़ा है, आनंदमति के स्वयंवर के प्रसंग में कहा है, और उन्होंने जो उपमान दिया शिखा से दिया है, दीपक की लौ से दिया है, इसलिए सहृदय समीक्षकों ने कालिदास का नाम ही दीप शिखा रख दिया गया। तो कभी कभार सवाल पूछा जाता है दीप शिखा किसकी उपाधि है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कालिदास की। वह शब्द यह भी है तथा उस प्रकार से दीप शिखे दीपक के लौ के समान, दीपक की लौ क्या करती है, दीपक की लौ जलाई जाती है तो यद्यपि प्रकाश करती है लेकिन उस प्रकाशन के साथ कालिमा भी देती है, क्योंकि उसकी लौ से जो दीप्त निकलती है वह काले रंग की होती है। और लोग कज्जल आदि भी निकालते हैं, काजल निकालते हैं कार्तिक के महीने में दीपावली के दिन, तो इसलिए उसको रख देते हैं मिट्टी का बना हुआ पात्र बर्तन कसोड़ा आदि तो उसके ऊपर रख देते हैं और धीरे धीरे वह भर जाता है, उसमें ज्यादा मात्रा में काजल इकट्ठा हो जाता है, कालिमा इकट्ठी हो जाती है और उसमें पहले से कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य और आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले तमाम सारे पदार्थ डाले गए रहते हैं, इसलिए उनका प्रभाव बन जाता है, बना दिया जाता है, क्योंकि उस रात्रि को बनता है इसलिए नक्षत्र मुहूर्त का भी प्रभाव होता है और पदार्थों का भी प्रभाव होता है, लिहाजा साल भर उसे आंख में लगाते हैं, रतौंधी आदि जैसे बड़े बड़े रोग उससे मिट जाते हैं, विटामिन ई की वृद्धि हो, विटामिन ए की वृद्धि हो जाती है और आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, तो इसलिए वह ज्योति वर्धक तो दीपक की लौ है परंतु ऊपर से कालिमा भी प्रदान करती है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी कालिमा भी प्रदान करती है, अर्थात व्यक्ति के पास जब खूब पैसा आता है, धन आता है तो वह उन्मत्त हो जाता है और उन्मत्त होकर के विभिन्न प्रकार के दुर्विकारों से आक्रांत तो हो जाता है, न चाहता हुआ भी काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर जैसे दुर्गुणों का शिकार हो जाता है, जिस प्रकार से समाज में वह विभत्स रूप धारण कर लेता है और यहां तक कि अपने बड़े दर्जे के सम्मान को भी कभी कभी खो देता है। तो इसलिए कहा गया है उसे सानी बैठाई गई है दीप शिखे, मैंने दीप शिखा के समान कज्जल मलन में कर्म केवल मुद्भवति। यहाँ कर्म शब्द है जो अलग लिखा गया है, तो इसको ये ना समझ लीजिएगा तमाम विद्यार्थी अपने से बैठा लेते हैं राम 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 तो ऐसे कर्म 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 राम 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 तो कर्म कर्म कर्मान, तो वहां कर्म लिखा है तो कर्म बना लेते हैं, ये गलती ना करिएगा। रूप चलता है कर्मनिति मूल शब्द अरूपम प्रचलित कर्म कर्मणि कर्मान द्वितीया में भी कर्म कर्मणि कर्मान, तो कर्मन मूल शब्द है है कर्म कर्मणि कर्माण, तो द्वितीया का रूप यहां है कर्म, यहां द्वितीया में भी वही रूप बनता है इसलिए कर्म है, तो इसलिए यहां अनुस्वार विसर्ग रखने की भूल न करिएगा। तो इसलिए कहा यथा यथा चेयम चपला दिव्यते, जैसे यह चपला है चंचला अपने को प्रकाशित करती है तथा तथा उस प्रकार से दीप शिखे, दीप से शिखा तो दीप शिखा षष्ठी तत्पुरुष समास है, दीपक के लव के यु माने समान कज्जल मलिन मेव, माने कज्जल रूप वाला मलिन कर्म ही केवल केवल उद्भवमति निकालती है, प्रदान करती है, उद्भवित करती है, उसका निगरण करती है, कैसे जी, और जरा देखिए आगे का तथा ही हम संवर्धन वारिधारावल्ली नाम तथा ही, क्योंकि क्योंकि क्या क्योंकि कायम यह है संवर्धन वारिधारा बढ़ाने वाली जल की धारा है, संवर्धन माने बढ़ाना, वर्धने धातु से लिट प्रत्यय किया गया है तो वर्धन शब्द बना है, अब ये जो वर्धन बना हुआ है और उसके पहले सब उपसर्ग लगा दिया गया है तो संवर्धन बना दिया गया है, माने बढ़ाना, किसको बढ़ाना, बार धारा माने पानी की धारा, बारी बारिणी बारिंद पुंसकलिंग शब्द है बार, तो बार धारा माने जल की धारा है, बढ़ाने वाली जल की धारा है, किसे का तृष्णा बस बल्ली नाम, तृष्णा विष बल्ली नाम, तृष्णा माने लालच रूपी बल्लियों को बढ़ाने के लिए यह जल की धारा है, तृष्णा माने प्यास का प्यास रूपी जो विष बल्ली है माने जहरीली लता है उसको यह बढ़ाने वाली जल की धारा है, जैसे जहरीली लता है उस पर पानी डालिए तो क्या उसका जहर घट जाएगा, जहर भी उसका बढ़ेगा, बढ़ेगी उसकी विषाक्तता बढ़ेगी, उसी प्रकार से जितना भी सेवन लक्ष्मी का करेंगे उतनी ही प्यास और बढ़ेगी। न जाने कितने लोग हैं देख ही रहे 900 करोड़ का घोटाला किया आदमी, एक कितना खाएगा कितना पहनेगा भाई, कितना बनवाएगा कितना सुख लेगा,
तो इसलिए 900 करोड़ की उसको जरूरत पड़ गई और फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए नहीं तेन तृपणी हो मनुष्य, मनुष्य कभी धन से तृप्त हुआ है नहीं। और यहां क्या, द्रोणाचार्य द्वापर काल में ही और बंध गए थे। जब उन्होंने कहा गुरुदेव, युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव जानते हैं आप कि मैं सतपथ पर हूं, आप मेरी ओर से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, आप कौरवों की ओर से क्यों चले गए हैं। उन्होंने कहा युधिष्ठिर तुम नहीं जानते अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्पर्थो न कस्यचित् इति सत्यं महाराज बद्धो स्मर्थेन कौरवैः। का है युधिष्ठिर, अर्थ का दास पुरुष होता है, अर्थ किसी का दास नहीं होता। ऐसे समझ लो कि मैं कौरवों के द्वारा अर्थ के माध्यम से बांध दिया गया हूं, इसलिए मैं उन्हीं की ओर से युद्ध करने के लिए बाध्य हूं। एक गुरु कह रहा है त्रेता युग का, तो इसलिए त्रेता युग से धीरे धीरे सैद्धांतिक विघटन का आरंभ हुआ था। तो फिलहाल ये यम संवर्धन वालधारा त्रिषणा विषबल्ली नाम, तो इसलिए त्रिषणा ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती। और इसी त्रिषणा को समाप्त करने की बात गीता में की जाती है कि इंद्रियों का अवरोध करो, अर्थात इंद्रियां विषयों में न जाए। तो विषयों में न जाए तो क्या जबरदस्ती रोक लो, खाने का मन है तो हम नहीं खाएंगे, ऐसा करो। गीता में कहा गया है इंद्रियां स्वयं ही विषयों की ओर विशेष रूप से उन्मुख होना बंद कर दें, वे स्वयं न मन करें कि हम इसे देखें, वे स्वयं न मन करें कि हम इसका सेवन करें, स्वयं ही अपने अपने विषयों से विरक्त हो जाए, ये वह भाव है। लेकिन यह विराग अचानक तो होगा नहीं, तो इसलिए उसके लिए शनि शनि धीरे धीरे का अभ्यास होना पड़ता है, करना पड़ता है। कुछ लंबे समय का जब अभ्यास होता है तो ऐसा होने लगता है। तो फिर था इस यम संवर्धन बाली राम त्रिषणा रूपी जो रह जहरीली बल्ली माने लेता है, उसके लिए यह संवर्धन वाली धारा, उसको बढ़ाने के लिए यह जल की धारा है। तो इसलिए इस लक्ष्मी को पानी की धारा समझिए कि जितने पीते जाइए उतने ही प्यास बढ़ती जाएगी, समाप्त नहीं होगी। उसी प्रकार से जहरीली लता है, उसमें चाहे जितना पानी छोड़िए उसका जहर बढ़ेगा। यह पानम भुजंगारम केवलम विषवर्धनम, तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है। तथा यम संवर्धन वाली धारा त्रिषणा विषवल्ली नाम, तो यहां त्रिषणा रूपी जहरीली लता, तो जहां रूपी आता है वहां कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। जहां युवा आया है वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां उपमालंकार होगा, क्योंकि सादृश्य सीधे बताया जा रहा है। जब किसी क्रियापद के साथ जुड़ता है तो प्रेक्षा बन जाता है। मन्ने शंके ध्रुवम प्रायो नून मित्यवादय प्रेक्षा वाचका शब्दायु शब्दोपतादृशः। यदि कहीं असंभव की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, फिर भी यदि वहां कल्पनात्मक प्रतीति का अवसर है तो वहां इनके द्वारा भी प्रेक्षा बन जाती है। नहीं तो मन्ये शंके ध्रुवम प्राय ये सब शब्द नूनम आदि शब्द योग्य तो रहते हैं तो उत्प्रेक्षा बन जाती है, या तो फिर क्रियापद के साथ ही वो रहता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। नहीं तो सादृश्य में सामान्यतः उपमा होता है। जब उपमेय और उपमान एक ही शब्द से कहे गए हो और वहां पर उपमेय पहले कह दिया गया हो, किससे रूपित हो वह शब्द उपमान परक बाद में कह दिया गया हो, सटा हो एक ही शब्द में हो, तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहां त्रिषणा विषबल्ली नाम माने त्रिषणा रूपी जहरीली लता के लिए, तो इसलिए त्रिषणा रूपी जहरीली लता रूपक अलंकार बन जाता है, क्योंकि त्रिषणा उपमेय है और किससे यह युक्त किया जा रहा है, विषबल्ली से। तो इसलिए ऐसे स्थलों पर तो बराबर रूपक अलंकार चलेगा। इंद्रिय मृगाणाम कार कैसी है ये लक्ष्मी, कहा व्याध गीति ही बहने का गीत है ये, किसके लिए, कहा इंद्रिय मृगाणाम, कहा इंद्रिय रूपी हरिणों को आकर्षित करने के लिए ये बहलिए का गीत है। क्या होता है बहलिए का गीत, और क्या उससे मृग आहरित कर लिए जाते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं। बहलियों को जब मृगों को मारना होता है, क्योंकि मृग बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हैं, उनको संस्कृत में हरिण कहते हैं, हिंदी में हिरण कहते हैं, ये बड़ी तेजी के साथ भागते हैं, इनको पकड़ पाना संभव नहीं होता, शिकार के लिए लाख प्रयास करने के बाद भी पकड़ में नहीं आते। और देखा ही है आपने ग्रीवा भंगा भ्रामम हो लुपत चंदने तत्व दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट चरपतन भया पूर्व कायम दर्भई रर्धावली विधेयी समुद्ध विवृत मुखभंस भी किरण वर्तमा पश्चोत गप्र तत्व यदि
आदमी बहुत आराम बहुत शोकम और व्याम प्रयाग बड़ी तेजी से भागा जा रहा था, घोड़े पीछे पीछा कर रहे थे, लेकिन फिर भी घोड़े उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहे थे, काफी दूर निकल जाता था और दौड़ने के बाद मुड़कर पीछे देखता था कि आ तो नहीं रहा, और जब देखा कि आ रहा है और कुछ नजदीक भी आ गया है तो शरपतन भया भूसा पूर्व कायम अपने आधे पूर्व भाग को पीछे की ओर समेट लेता था कि बाण इधर उधर करके निकल जाए, अगर चला भी दे राजा तो भी। तो अभिज्ञान शाकुंतल में विधिवत देखा है, तो इसलिए यह जो हरिण है उसका वैशिष्ट है, उसका गुणधर्म है, उसमें विलक्षण धावन शक्ति भी है लेकिन घोड़े जैसी नहीं है। तो घोड़े की धावन शक्ति में निरंतर यह है, लगातार दौड़ता जाता है जबकि हरिण थक जाता है, तो इसलिए हरिण तत्काल तेज दौड़ सकता है लेकिन लंबे समय तक उसमें धावन शक्ति प्रकृति ने नहीं दी है। तो इसलिए जो मृगालंब मन मृग है हरिण है वह खिस्ता कैसे है, जब बहलिया बढ़िया गीत गाता है तो उस गीत के माधुर्य से वह मुक्त हो जाता है, तो ठहर जाता है, वह सामने आ जाता है और बड़ी आसानी से वह शिकार कर लेता है। बस कुछ वैसी ही है लक्ष्मी, लक्ष्मी आपके इंद्रियों को खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है, इसलिए इंद्रिय खींच जाती है। साफ सुथरा आदमी, ईमानदार आदमी, सत्यवादी आदमी, पग पग पर सिद्धांत रखने वाला आदमी भी इसके चक्कर में फंस जाता है, इंद्रियों के माध्यम से तमाम सारे विकारों को प्राप्त कर लेता है। तो यह इंद्रिय रूपी मृगाणाम मन हरिणों के लिए, मृगों के लिए यह व्याधि गीत ही बहलिए का गीत है। तो यहां भी इंद्रिय मृगाणाम मन इंद्रिय रूपी मृग, यहां भी रूप कलंकार बन जाता है। तो एक सवाल प्रश्नव्य है, प्रायः पूछे जाने की संभावना रहती है, तो ध्यान रखिएगा, व्याध गीत ही मन व्याधानाम गीत ही व्याध गीत ही मृगों के लिए यह बहलिए का गीत है। कैसे? इंद्रिय मृगाणाम माने इंद्रिय रूपी मृगों के लिए व्याध गीत ही ये बहलियों का गीत है। परामर्श धूम्र लेखा, परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम का, सच्चरित चित्राणाम भले चरित्र वाले जो लोग हैं उनके लिए यह परामर्श धूम लेखा पोछ देने वाली धुएं की पंक्ति है। इसलिए जो तमाम सारे चित्र हैं उनमें चित्रों में क्या होता है, धुआं लग गया तो वे सारे चित्र परामृष्ट हो जाते हैं, पोछ दिए जाते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से चाहे जितना बढ़िया चित्र लगाइए अगर धुआं उस घर में है तो धीरे धीरे धुआं वहां पर जाता है, बैठ जाता है और उन चित्रों को परामृष्ट कर देता है, साफ कर देता है, तो इसलिए उनकी सफाई हो जाती है। ये राजलक्ष्मी क्या करती है, ये राजलक्ष्मी करती है सच्चरित्र चित्राणाम, जो भले चरित्र वाले लोग हैं उनके चरित्र की भी सफाई कर देती है, उन्हें भी साफ कर देती है, इसलिए कि सारा चरित्र उनका जाता रहता है। जब पैसा है तो हम विलास करेंगे, हम सुख लेंगे, इसलिए कि व्यक्ति तो आनंद के पीछे भाग रहा है, और यहां तो दर्शन वाले कहते हैं भाई परमानंद लीजिए, और परमानंद है ब्रह्म, तो इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे आप, परमानंद प्राप्त करेंगे, और यहां परमानंद छोड़िए, आराम से धन आया तो छोटा ही सही है तो आनंद ही, इसलिए उसी का सेवन करेंगे, यह सोच करके व्यक्ति उसमें लग जाता है, अच्छे अच्छे चरित्र वाले लोग भी चले जाते हैं। लेकिन चारवत ने कहा न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितम यचा, का मृत्यु से भी नहीं भय लगता लेकिन भय लगता है तो केवल बदलामी से, केवलम दूषितम यचा केवल यश से डरता हूं, न भी तो मरणादस्मि मृत्यु से भी नहीं डरता, यह भी एक सिद्धांत था, सूली पर खड़ा हो गया, मरने के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत वाले बड़े बड़े दर्जे के लोग हैं वे भी, उनको भी राजलक्ष्मी उनके चरित्रों की सफाई कर देती है, पोछ देती है, सारे सिद्धांत खंडित हो जाते हैं। उसी बात को यह शुकराज समझा रहा है, कह रहा है बत्स चंदापीठ सच्चरित चित्राणाम भले चरित्र रूपी चित्रों के लिए यह परामर्श धूप लेखा सफाई करने वाली धुएं की पंक्ति है, धुएं की लाइन है, धुएं की रेखा है, रलय और भेद रेखा लेखा, तो इसलिए उसकी पंक्ति है परामर्श धूम्र लेखा।
धूम पोछने वाली धूम्रपंक्ति है, अर्थात जिस प्रकार से धुआं पोछ देता है चित्रों को, उसी प्रकार से ये लक्ष्मी भले चरित्र की सफाई कर देती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए तो बराबर चल रहा है रूपक। ब्रह्मशैया मोह दीर्घ निद्रा राम का ये ब्रह्मशैया विलास की सैया है, ब्रह्मण विलास विलास का बिछावन है, बढ़िया गद्दा है तो नींद बढ़िया आएगी। किसके लिए? कहा दीर्घ निद्रा राम का, जो लंबी नींद है उसके लिए ये ब्रह्मशैया है, माने विलास का बिछावन है। बढ़िया बिस्तर मिला तो नींद 6 घंटे के बजाय 8 घंटे भी बढ़ सकती है। तो लक्ष्मी क्या करती है? लक्ष्मी यहां मोह प्रदान करती है, मोह दीर्घ निद्रा राम। मोह माने मूर्छा, मोह धातु घय प्रत्यय से योगे करते, मोह इति शब्द संस्कृत भाषाया नित्यत्वेन पुल्ले पुल्लिंगे एवं निष्पद्यते। इसलिए मोह मोह दे देती है जी। मोह क्या है? मूर्छा दे देती है। और जब मूर्छा दे देती है तो अपने पराये का भेद, क्योंकि केवल उसे स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई पड़ता है, उसे ज्ञान मानो उसके पास से चला जाता है, तो इसलिए मूर्छा दे देती है। केवल और केवल उसे विलास और आनंद का ही प्रतिभास होने लगता है, और इसीलिए जो अपना करीबी भी है वह भी उससे दूर होने लगता है, दूर चला जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी ये कुछ इस प्रकार से कर देती है। मोह दीर्घ निद्रा राम, मोह रूपी दीर्घ नींद, तो यह भी रूपक अलंकार बन जाता है। दीर्घ निद्रा राम, क्योंकि निद्रा भी एक दोष है। इस निद्रा को जिस प्रकार से ब्रह्मशैया विलास की सैया बढ़ा देती है, लंबी हो जाती है, उसी प्रकार से ये राजलक्ष्मी मोह को बढ़ाती जाती है, मूर्छा में वृद्धि कर देती है। निद्रा तद्रा भयम को धम आलस्यम दीर्घ सूत्रता षड दोषा पुरुषेण हातव्याभूत मिच्छता। निद्रा तद्रा भयम को धम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, माने 6 दोष है जिनमें निद्रा भी है, और भले पुरुष को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनका परित्याग करते रहे। लोग 12 घंटे 14 घंटे सो रहे हैं, जबकि ब्राह्मण मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ उचारु चिंतयेत, माने निश्चित रूप से ब्राह्मण मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। लेकिन लोगों को, ज्यादातर लोगों को आज पता ही नहीं कि ब्राह्मण मुहूर्त क्या है। कहेंगे 8 बजे ब्राह्मण मुहूर्त है, जब बाप 8 बजे उठेगा तो बेटे को भला क्या उठाएगा। तो इसलिए ब्रह्मशैया मोह दीर्घ निद्रा राम का, मोह रूपी दीर्घ नींद के लिए यह ब्रह्मशैया विलास की सैया है, विलास का बिछावन है। निवास जीर्ण बल भी धर्मत पिशाची का नाम का, निवास करने के लिए यह जीर्ण बल भी, माने पुरानी अटारी है, छत है, छज्जा है, धर्मद पिशाचिका राम, धन मद रूपी पिशाचिकाओं के लिए। तो जो तमाम सारे पिशाच है कहां रहते हैं? ये निर्जन स्थान में रहते हैं। तो इसलिए ये किसी पुराने स्थान में रहा करते हैं, जो टूटा फूटा खंडहर गुफा इत्यादि के सरीखे से होता है, जहां पर लोग नहीं जाते। ये सब भूत प्रेत पिशाच आदि भी शंकर के गण है, और जब शंकर जब ये उत्पन्न हुए तो उन्होंने शंकर से कहा, ये बताइए हम लोग कहाँ रहे, हम लोगों के लिए आपने कौन सा स्थान दिया है। तो शंकर ने कहा तुम लोग वहां जहां पर सफाई न होती हो, तुम लोग वहां रहो जहां पर लोग न जाते हो, तुम लोग वहां रहो जहां पर खंडहर और गिरी हुई स्थिति दिखाई पड़ रही हो, तुम लोग वहां रहो जहां हर प्रकार का प्रदूषण दिखाई पड़ रहा हो, तुम लोग वहां रहो जहां हर तरह की गंदगी दिखाई पड़ रही हो, तो हर प्रकार की स्थिति ऐसी हो जो कि दुर्वस्था पर हो, ऐसे सारे स्थलों को तुम लोग अपने निवास का विषय बनाओ। इसलिए किया जाता है कि लोगों को अपने घरों को स्वच्छ रखना चाहिए, उनकी सफाई बराबर करते रहना चाहिए, उनके घरों में जाले नहीं होने चाहिए, उनके घरों में फटे पुराने कपड़े नहीं फेंके होने चाहिए, उनके घरों की हर तरह से साफ सफाई की स्थितियां बनी रहनी चाहिए, इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जहां पर यह सब नहीं होता वहां पर भूतों प्रेतों का प्रवेश लगता है। धनमद पिशाचिका राम, धनमद रूपी पिशाचिकाओं के लिए यह निवास जीर्ण बल भी रहने की पुरानी अटारी है, रहने की पुरानी छत है, मैंने ऐसे स्थलों पर जिस प्रकार से पिशाचिकाएं रहती हैं उसी प्रकार से
जो राजलक्ष्मी है वह भी उसके समीप में जो रहता है वह धन से युक्त होता है, किंतु उसके साथ ही साथ उन्मत्तता का शिकार हो जाता है, उसमें मद आ जाता है। तो जब उन्मत्तता आती है तो उन्मत्तता एक बड़ा विकार है और वह वास्तव में सही और गलत का स्वरूप ही नहीं समझ पाता और दोनों को खो बैठता है, विवेक खो बैठता है। और जब विवेक खो बैठता है, विवेक का अर्थ मृत्यु है, तो इसलिए धीरे धीरे उसी की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए कि मुचितम कि मनुचितम ये ज्ञान ही नहीं रह जाता उसके पास। तो इसलिए कह रहे हैं निवास जीर्ण बल भी धनमद पिशाचिका नाम, धनमद रूपी पिशाचिकाओं के लिए यह निवास करने के लिए जीर्ण बल भी पुरानी अटारी है, पुराना छज्जा है। तिमिरोध गति ही शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए यह तिमिरोध गति है। माने तिमिर का समाप्त हो जाना है, तिमिर तिमिर माने अंधकार। तो कहा शास्त्र दृष्टि राम, माने शास्त्र रूपी जो दृष्टि है, तिमिरोध गति ही शास्त्र दृष्टि राम का शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए यह तिमिरोध गति है। माने तिमिर माने अंधकार होता है, तिमिर नाम का अंधकार रूप वाला, अंधकार में न दिखने वाला एक रोग विशेष होता है, इसे तिमिर कहते हैं या रतौंधी कहते हैं। तो तिमिरोध गति ही माने तिमिर नामक रोग की उद्गति है, उत्पत्ति है। तो शास्त्र दृष्टि राम माने शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए यह जिस प्रकार के दृष्टि में उत्पन्न होने वाला तिमिर नामक रोग होता है, उसी प्रकार से राजलक्ष्मी भी शास्त्र में विभिन्न प्रकार से दोष उत्पन्न करने वाली है। तो शास्त्र दृष्टि राम माने शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए यह तिमिरोध गति है, माने तिमिर नामक रोग को उत्पन्न करने वाली है। पुनः पताका सर्वाभिनयानाम का सर्वाभिनयानाम माने सभी प्रकार की अभिनम्रताओं के लिए यह पुरा पुरा पताका माने सामने उपस्थित पताका है, अर्थात सभी प्रकार की अभिनम्रताओं को प्रदान करने वाली है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधा वेग ग्रहणाम, क्रोध और आवेग रूपी जो मगरमच्छ है, ग्राह माने मगरमच्छ का, क्रोध और आवेग रूपी जो ग्राह माने मगरमच्छ है, उनके लिए उत्पत्ति निम्नगा उत्पन्न करने वाली यह निम्नगा माने नदी है। निम्नम गच्छति निम्नगा, जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है उसे निम्नगा कहते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से तमाम सारे ग्राह उत्पन्न होते हैं, मगरमच्छ उत्पन्न होते हैं नदी में, उसी प्रकार से यह राजलक्ष्मी क्रोध और आवेग बराबर उत्पन्न करने वाली है। और ये जो क्रोध और आवेग है, ये निश्चित रूप से व्यक्ति को खराब मार्ग पर, कुत्सित मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध को पाप का मूल कहते हैं। क्रोधात बहुत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रलस्यति। तो क्रम से माने क्रोधात बहुत सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। तो मोहात स्मृति भ्रमा, और मोह से स्मृति माने यादगारी का भ्रम, माने यादगारी की समाप्ति हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, जब यादगारी जाने लगती है तो बुद्धि का विनाश हो जाता है, और बुद्धिनाशात प्रलस्यति, जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तो व्यक्ति मर ही जाता है, मानो असमाप्त हो जाता है। तो इसलिए क्रोधा वेग ग्रहणाम उत्पत्ति निम्नगा, माने क्रोध और आवेग रूपी जो ग्राह है, मगरमच्छ है, उनके लिए उत्पत्ति निम्नगा उत्पन्न करने वाली नदी है। आपान भूमि विषय मधुनाम, विषय रूपी मधु के लिए आपान भूमि है, माने पीने वाली जमीन है। विभिन्न प्रकार की मधु माने शराब है, उसके लिए जिस प्रकार से आपान भूमि होती है, जहां पर इसका पान करते हैं उसे आपान भूमि कहते हैं। इसलिए जिस प्रकार से मधु के लिए, शराब पीने के लिए आपान भूमि होती है, उसी प्रकार से राजलक्ष्मी भी विषय के लिए, विषयों को पिलाने वाली स्थिति उत्पन्न करने वाली है, अर्थात विभिन्न विषयों की ओर उसकी इंद्रियों को आकृष्ट कर देती है, बढ़ा देती है। और वे इंद्रियां
व्यक्ति विषयों में ही फंसे रह जाते हैं और उन विभिन्न प्रकार के विषयों में विद्यमान जो पराग है उसी का पान करने में ही लगे रह जाते हैं। अस्तु जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आपान भूमि ही विषय मधुराम, विषय रूपी मधु के लिए आपान भूमि है। संगीत शाला भू विकार नाट्याराम, भावों के विकार नाट्यों के लिए यह संगीत की शाला है। संगीत की शाला मन संगीत का मंच है, रंग मंच है और संगीत होता है किसके लिए? कहा नाट्यानाम, नाट्यों के लिए, नाट्य मने अभिनय का, अभिनयों के लिए जैसे संगीत शाला होती है वहां पर अभिनय होते हैं उसी पर वही उसी प्रकार से ये जो राजलक्ष्मी है वही भावों के विकार से संबंधित है। माने विभिन्न प्रकार के जो भावों के विकार हैं वे सभी राजलक्ष्मी ही उनको सिखा देती है, राजलक्ष्मी ही उसके सबसे करीब हुआ करती है। संगीत शाला संगीत कहते हैं, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। जहाँ गीत वाद्य और नृत्य तीनों की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं उन्हें हम संगीत कहते हैं। तो इसलिए संगीत शाला भ्रू विकार नाट्याराम, माने भ्रू विकार की अभिनय के लिए यह संगीत की शाला है। आवास दरीम दोषासी विषाणाम का दोष रूपी आशी विष माने सर्प का दोष रूपी सर्पों के लिए यह आवास दरी है, निवास करने की गुफा है। तुकारी जो दोष रूपी आशी विष सर्प है जिस प्रकार से आवास दरी मने गुफाओं आदि में रहा करते हैं उसी प्रकार से ये राजलक्ष्मी भी व्यक्ति को दोषों से भर देने वाली है और विभिन्न प्रकार के दोष उसमें हैं इसलिए व्यक्तियों पर वे प्रक्षिप्त हो जाते हैं। दोष कौन से हैं? तो दोष है तमाम सारे काम क्रोध लोभ मोह मदुर मात्सर्य, ये तो दोष ही है, इसलिए उसके सामीप्य से ये सब आ जाते हैं। तो इसलिए दोषासी विषाणाम जो काम क्रोध आदि दोष हैं इनके रूपी सर्पों के लिए ये आवास दरीम यानी निवास करने की यह गुफा है। अकाल प्रावृत उत्सारण वेत्र लता सतपुरुष व्यवहाराणाम काय के उत्साह सतपुरुष व्यवहाराणाम भले पुरुष रूपी व्यवहार के लिए है उत्सारण वेत्रलता, हटा देने वाली दूर फेंक देने वाली वेतस की लता है, अर्थात तमाम सारे व्यवहारों को समाप्त करती है जिस प्रकार से उत्सारण वेत्रलता हटा देने वाली वेतस की लता उसी प्रकार से जो भले पुरुष हैं उनको हटा देती है, उनके सच्चरित्र को उनकी बेहतरी को उनमें विद्यमान जो गुणधर्म है उनको मिटा देती है, समाप्त कर देती है, उत्सारित कर देती है, यह है राजलक्ष्मी। इसलिए मानो यह वेतस्यस्ति है जो दूर कर देती है, हटा देती है। अकाल प्रावृत गुण कलहंस का राम, यह असामयिक प्रावृत मन वर्षा है, कैसी गुण कलहंस का राम, गुण रूपी कलहंसों के लिए, कलहंसों श्रेष्ठ हंस का बड़ी हंसों के लिए, श्रेष्ठ हंसों के लिए यह अकाल प्रावृत है। जिस प्रकार से असामयिक वर्षा हंसों के लिए कष्टकर है उसी प्रकार से ये जो व्यक्तियों के गुणधर्म है उनके लिए ये असामयिक वर्षा है, ये आई नहीं कि गुण गए नहीं, इसलिए धन आता है तो धीरे धीरे गुण नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए गुणी व्यक्ति धन पर ध्यान नहीं देता, मतमता लोग के दरिद्रता विधि रहो बलवान में मति। इसीलिए नीत शतककार ने कहा है कि जो मतमत है बुद्धिमान है और बुद्धि लाने के लिए वैदुष्य लाने के लिए तमाम सारे गुणधर्मों का आवेश भी रहता है, तो इसकी क्रिया सिद्धि सत्य बहुत ही महताब में उपकरणे, इसलिए कि वहाँ सत्व का प्राधान्य होता है तभी वहाँ बौद्धिकता होती है, वैदुष्य होता है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में जहाँ वैदुष्य रहता है बुद्धिमत्ता रहती है वहां पर प्रायः धन नहीं दिखाई पड़ता। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सतपुरुष व्यवहार नाम उत्सारण भेद अकाल प्रावृत गुण कलहंस का नाम, माने गुण रूपी श्रेष्ठ हंसों के लिए यह असामयिक वर्षा है। विसर्पण भूमि लोका पवार
विस्फोटकानां का विसर्पण भूमि है। किसके लिए? लोकापवाद विस्फोटकानां, माने जो लोकापवाद रूपी विस्फोटक है, माने संसार में अपवाद फैलते हैं, का इसके रूप में दिखाई पड़ने वाले जो विस्फोटक है, माने तमाम सारे घाव उत्पन्न करने वाले फोड़े हैं, जिस प्रकार से वे विसर्पित हो जाते हैं, माने फोड़ा एक जगह से फूट गया तो फूटा तो जहां जहां लगेगा उसका द्रव वहां वहां फोड़ा निकलेगा, तो उसी प्रकार से माने फोड़ा तमाम सारे फोड़ों को पैदा कर देता है, फैल जाता है। उसी प्रकार से ये जो लक्ष्मी के दोष हैं वे लोकापवाद कारक है, अर्थात संसार में विभिन्न प्रकार की बदनामी उत्पन्न करने वाले होते हैं। लोका विसर्पण भूमिर लोकापवाद विस्फोटकानां का लोकापवाद रूपी विस्फोटकों के लिए, फोड़ों के लिए ये विसर्पण भूमि ही, माने फैलाव की जमीन है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य, कपट रूपी नाटक के लिए यह प्रस्तावना है, माने विभिन्न प्रकार के कपट और छल की स्थितियों से यह अनुत होती है, इसलिए जिस प्रकार से नाटक की प्रस्तावना होती है, नाटक जहां पर वंचित किया जाता है वहां पर जिस प्रकार से प्रस्तावना की स्थिति होती है, तो उसी प्रकार से लक्ष्मी भी कपट आदि की शिक्षा, छल आदि की शिक्षा प्रदान करने वाली होती है, उसके करीब होती है। कदलिका का करण है, और जो काम रूपी करण है उसके लिए यह कदलिका है। करी करण करण है, कर है अस्ति अस्मिन् इति करण, माने कर है जिसके पास, तो कर किसके पास? हाथी के पास। कर माने हाथ तो सबके पास है, लेकिन हाथी वाला हाथ माने उसकी सूंड कुछ ज्यादा लंबी है, इसलिए करी केवल हाथी को कहते हैं। विद्यार्थिन की तरह रूप चलता है, जैसे विद्यार्थी विद्यार्थिनों विद्यार्थिना, वैसे करी करणों करण। तो यहाँ इन्होंने कहा काम करण है, माने काम रूपी हाथी केले। यह कदलिका माने केले का जंगल है, जिस प्रकार से हाथी के लिए केले का जंगल है उसकी स्थिति को बढ़ाता है, तो उसी प्रकार से यह काम भाव को बढ़ाने वाली राजलक्ष्मी है। बद्धशाला साधु भाव से, साधु भाव के लिए यह, साधु भाव को बद्ध करने के लिए यह मंच है, यह शाला है, जिस प्रकार से बद्धशाला बधस्थल है, उसी प्रकार से यह राजलक्ष्मी साधुता के भाव को नष्ट कर देने वाली है। राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, धर्मेंदु धर्म रूपी इंदु मंडल के लिए यह राहु की जीव है। इंदु माने चंद्रमा, इंदु धातु से रण प्रत्यय लगता है तो इंदु बनता है, तो इसलिए इंदु मंडलस्य माने इंदु जो चंद्रमा है, इंदु से उन प्रत्यय लगता है उड़ादिक, तो इंदु शब्द बनता है। इंदु मंडलस्य माने इंदु मंडल के लिए, चंद्रमंडल के लिए राहु की जीव है, तो जिस प्रकार से इंदु मंडल को, चंद्रमंडल को राहु व्याप्त कर लेता है और जीव बढ़ा करके उसे ग्रास बनाना चाहता है, उसी प्रकार से यह राजलक्ष्मी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को के धर्म के लिए, धर्म को आहत कर लेती है, उसको समाप्त कर देती है, उसको नष्ट करने के लिए पर्याप्त भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार से राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, तो विभिन्न प्रकार के शब्दों में यह रूपक अलंकार दिखाई पड़ता है।